विधानसभा चुनाव में इस बार सुर्खियों में बनी सहसवान सीट पर लड़ाई रोचक और कांटे की हो गई है। राष्ट्रीय परिवर्तन पार्टी के उम्मीदवार कुणाल यादव इस बार आत्मविश्वास से लबरेज हैं। उनका कहना है कि बदलाव की बयार है। कुणाल यादव क्षेत्र को अच्छी तरह समझते हैं। क्षेत्र की जनता ने ठान लिया है कि क्षेत्र में भी परिवर्तन दल को जिताना है, लिहाजा उनका पूरा पूरा समर्थन मुझे मिल रहा है। बहरहाल नतीजे तो 10 मार्च को आएंगे, मगर यह जरूर है कि इस बार कुणाल यादव काफी सक्रियता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार वे गांव का दौरा कर रहे हैं, समाज के अलग अलग वर्गों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। उनके कार्यक्रम में अच्छी खासी भीड़ भी देखी जा रही है। देखना शेष है कि लोगों का यह हुजूम उनके पक्ष में वोटों से कितना तब्दीली होता है। हम यहाँ लोगों से बस मिलने आए हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं। मुद्दे तो आपको पता ही है, जहाँ पे इतनी बेरोजगारी है, लोग डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। जी जी। और जहाँ तक देख रही हूँ मैं, मोदी जी के जितने भी है चूल्हे मैंने कहीं देखे नहीं है। सारे रोटियां उसी पे बना रहे हैं जिसपे आप देखिए पुराने जमाने पे ही है। मैंने तो एक भी घर में नहीं देखा। जी जी। तो वो जिनसे पूछते वो 800 रुपए के सिलेंडर, मेरे को भी नहीं रेट पता था, यहाँ पे आके पता लगा। तो मेरा तो हृदय परिवर्तन हो गया, 4 दिन ही हुए मुझे। मैंने इससे पहले कभी कोई कैंपेनिंग नहीं करी है। जी जी। मैं बिल्कुल जेन्युइनली सीधी बात करती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं दिखा यहाँ पे। जी। लड़कियां, छोटे बच्चे, बड़े, कोई भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे किसी ने कभी ध्यान दिया। इस इलाके में डीपी यादव काफी लोकप्रिय हैं और वो मेरे पिताजी हैं। जी जी। और मंत्री जी से बढ़िया इंसान, मतलब मैं उनके घर में रहती हूँ, बहू की तरह नहीं बेटी की तरह रखा है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, एक उन्होंने यहाँ पे कॉलेज बनाया है जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि इतने लोगों ने आके, मतलब खुद ही बोलते हैं कि उन्होंने एक कॉलेज बनाने की वजह से कितनी लड़कियां यहां से, कितने बच्चे पढ़ के गए और उनसे हम जुड़े भी हैं। जी जी। और आज वो उस टाइम को याद करते हैं कि हाँ, वो एक टाइम था जब हमने काफी यहां पे डेवलपमेंट देखी, सब कुछ हुआ, लेकिन 10 साल हो गए। अब इन लोगों को भी समझ में आ रही है कि हमने किसे वोट दिया और क्या गलती करी क्या नहीं करी। वैसे परिवर्तन दल के उम्मीदवार कुणाल यादव को लेकर जनता और मीडिया की रुचि के पीछे उनकी अपनी पृष्ठभूमि भी है। गौरतलब है कि कुणाल यादव पूर्व सांसद डीपी यादव के पुत्र हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र का कायाकल्प किया है। वैसे कुणाल ने अपने बूते भी अपनी अलहदा पहचान बनाई है। फिलहाल वह सहसवान सीट पर विधानसभा चुनाव में अपनी इसी पहचान के साथ लोगों के बीच है और अपनी जीत के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। जितना काम हमारे डीपी यादव ने करा है जी, आज तक किसी ने विकास नहीं करा। ओके। अब की कुणाल यादव लड़ रहे हैं साहब, और बोले अल्लाह ने चाहा साहब, हजारों से नहीं, लाख करीब 40-50 हजार वोट से जीतेंगे। अच्छा जी, जी। और यहाँ डिग्री कॉलेज दिया है डीपी यादव ने, और चीनी मिल दिया है जी, एक दूसरा चीनी मिल भी लगा हुआ है, बहुत काम करा है। कोई अलाई दलाली और दूसरी पार्टी हमेशा रही है सापा की, सिवा दलालियों के अलावा थाने ले लेते हैं बोल ये लोग, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है यहाँ पर साहब। सुना साहब, और कभी एक सड़क नहीं बनाते सहसवान के अंदर, ये घाट है आज भी। कुणाल लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिससे प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों को कटघरे में खड़ा किया जा सके। उनका आरोप है कि विधायक ने यहां से जीतने के बाद क्षेत्र को बिसरा दिया, विकास का कोई काम नहीं किया। वे उन्हीं खामियों को गिनाकर अपनी खूबियों को फलक चौड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। लड़ाई में कुणाल मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे कुणाल स्वयं यह मानते हैं कि इस बार उनकी जीत को लेकर कोई संदेह नहीं, तस्वीर पूरी तरह साफ है। यहाँ जो है एक चीनी मिल लगाई है मंत्री जी ने, दूसरा भी चालू है, और डिग्री कॉलेज बनाया है पढ़ने के लिए, बहुत सुविधा है लड़कियों के लिए, बहुत आराम है यहाँ पे, बहुत विकास है। मंत्री यहाँ जो है क्या नाम है, 7 साल जेल में रहे, जब भी नहीं कोठी खुली रही है। जी जी। और लोग जहाँ आते रहे, मिलते रहे, बहुत अच्छे आदमी हूँ। कुणाल मतदाताओं से यह वादा कर रहे हैं कि जीत कर वह वादा खिलाफी नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ के लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करवाने का बीड़ा उठाएंगे। अब यह 10 मार्च को ही पता चलेगा कि मतदाताओं पर उनके वादे का कितना असर हुआ। मुद्दा तो विकास का है पूरी तरह से, और डीपी यादव जी जो हैं, जहां दूसरे लोग राजनीति को व्यवसाय बनाए हुए हैं, वहां डीपी यादव जो हैं इसको शौक बना करके सेवा करने का भाव है। और 2007 से जब इस इलाके में उन्होंने सियासत में अपना कदम रखा, तभी से इस क्षेत्र के विकास के लिए वो प्रयत्नशील रहते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा मैं चीनी मिल लगाऊंगा, चीनी मिल लगाया तो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा फायदा हुआ, दूर दराज ले जाते थे अपना किसान गन्ना, तो वो किसान करीब ले जाते हैं और उसको पेमेंट भी ठीक ठाक से अपने जल्द से जल्द दिलाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करूंगा, तो किया है, डिग्री कॉलेज बनाया है। अब नादा में और ओगहती में 2-3 स्पॉट उन्होंने चुन रखे हैं, छोटे छोटे कस्बे
इस सहसवान विधानसभा क्षेत्र के, वहाँ लड़कियों का इंटर कॉलेज बनाने का उन्होंने वायदा किया है और अवश्य जैसा उन्होंने अब तक करते हैं ये भी पूरा होगा। जी जी। और विकास का मुद्दा है सीधा सीधा सा कि जब तक रहेंगे उस क्षेत्र में विकास करेंगे। और पिछले जो 2007 से और 12 तक का उनका कार्यकाल है वो एक मिसाली कार्यकाल है, लोग अभी भी याद करते हैं, अभी भी याद करते हैं कि जो डीपी यादव ने किया वो सन 1952 से लेकर आज तक जितने एमएलए आए उन्होंने इस क्षेत्र को लूटा है, खसोटा है, विकास से दूर रखा है, विकास से दूर रखा है। डीपी यादव ने 5 साल में ये बताया उन तमाम राजनेताओं को कि विकास किया कैसे जा सकता है, अपने संसाधनों से भी किया जा सकता है और सरकार से जाकर के लड़ करके भी लाया जा सकता है। इन दोनों कामों में डीपी यादव बहुत कामयाब रहे हैं, इस क्षेत्र को उन जैसे नेता की बहुत ज़रूरत है। और ये जब वो यहाँ पे यहाँ के क्षेत्र के आवाम में मकबूल भी हैं, दिलों में बसते हैं, बच्चा उनकी गाड़ी जाती, चाहे किसी की गाड़ी चली जाए, गांव में चली जाए, चाहे जिस दल की गाड़ी चली जाए, वह बच्चे नारे लगाएंगे हिंदुस्तान का शेर डीपी यादव जिंदाबाद। सहजवान इलाके में लगातार यहां पर डीपी यादव का सपोर्ट है और यही कारण है कि उनके पुत्र कुणाल यादव यहां से खड़े हैं और जिस प्रकार से उनका यहां पर सपोर्ट मिल रहा है साफ है कि वो अपने विकास की जो गति दिया है इस क्षेत्र का उसका इन्हें पूरी तरह से यहां पर सपोर्ट मिल रहा है और यही कारण है कि उस इलाके में कोई उनके साथ और दूसरा नहीं खड़ा हो पा रहा है, कोई भी दल उनके आगे नहीं है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मानविंद, नमस्कार।